ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म के नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना है कि यह नया वर्ष आप सभी के लिए सफलतादायक और मंगलमय हो। आज से नए संवत 2075, जिसका नाम विरोधकृत संवत है, प्रारंभ हो रहा है। आइए इस नए वर्ष के स्वागत में ईश्वर से सभी के कल्याण हेतु प्रार्थना करें एवं उत्सव मनाएं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जिसके नक्षत्र स्वामी शनि देव हैं। चंद्रमा आज मीन राशि में चलते रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जन्मे जातक सुंदर, आकर्षक, गौर वर्ण वाले, सात्विक और बलवान होते हैं। इनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति, समाज के प्रेमी, भावुक और स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं। ऐसे जातक विद्या प्रेमी और कुलीन आचरण वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, शनि और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। इस नए संवत्सर की शुरुआत शनि के नक्षत्र से हो रही है, इसलिए शनि की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। नेतृत्व करने की क्षमता, अभूतपूर्व धैर्य और मेहनत करने की प्रवृत्ति शनि के द्वारा मिलती रहेगी। चंद्रमा मीन राशि में बने रहेंगे, जिसके राष्ट्र स्वामी बृहस्पति देव हैं, इसलिए बृहस्पति की भी भूमिका वर्ष की शुरुआत से महत्वपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि शनि बृहस्पति की ही राशि में गोचर कर रहे हैं। इसलिए विचारों में नैतिकता और गुरु प्रधान मौलिक गुण होने से शनि का सहयोग पूरी तरीके से मिलता रहेगा। चैत्र रामनवमी में कुछ लोग श्री रामचरितमानस का पाठ या सुंदरकांड या कुछ लोग राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, मगर ज़्यादातर व्यक्ति माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार आप किसी की भी आराधना करें, फल अवश्य मिलता है। 9 दिन की पूजा आराधना में आदि शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा होती है। विस्तृत रूप में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का विधि सहित पाठ, नवान जप, क्षमा प्रार्थना और आरती के साथ होता है। सूक्ष्म रूप में पहले दिन पहले अध्याय और 13वें अध्याय का, दूसरे दिन दूसरे और 12वें अध्याय का, तीसरे दिन तीसरे और 11वें अध्याय का, चौथे दिन चौथे और 10वें अध्याय का, 5वें दिन 5वें और 9वें अध्याय का, छठे दिन छठे और 8वें अध्याय का, 7, 8 और 9वें दिन 7वें अध्याय का 2-2 बार पाठ किया जाता है। अगर इतना भी ना हो पाए तो प्रत्येक दिन कवच, अर्गला, कीलक और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर इतना भी ना कर सकें तो माँ दुर्गा के 108 नामों का पाठ, जिसका नाम है श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, साथ में आरती और भोग लगाएं। मेष राशि के जातकों के 12वें भाव में 4 ग्रह बने हुए हैं। मानसिक रूप से नकारात्मक विचार मन में उठता रहेगा। किसी एक काम के प्रति मन में स्थिरता नहीं बन पाएगी। आपकी कार्य ऊर्जा को कम ना होने दें और व्यावसायिक निरंतरता को बनाए रखें। अपने सामान के प्रति सावधानी अपेक्षित है। खोने या चोरी होने का अंदेशा बना हुआ है। आज मेहनत के अनुरूप फल में कमी महसूस होगी। पारिवारिक सदस्य और गृहोपयोगी वस्तुओं पर खर्च संभावित है। शाम के बाद किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। वृष राशि वाले जातकों के कार्य क्षेत्र के उद्देश्यों की पूर्ति में अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा। कार्य में रुकावट व अड़चन संभावित है। धैर्य व उत्साह में कमी महसूस होगी, मगर आर्थिक लाभ की स्थिति अनुकूल रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। साझेदारी के कामों को आज के लिए स्थगित कर दें। अपने खर्चों को नियंत्रित करें और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बनाए रखें। मिथुन राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में हर तरह की सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी और आत्मविश्वास बना रहेगा। कुछ रुके हुए काम चालू होंगे। अधिकारियों का सहयोग आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाने वाला होगा।
आर्थिक लाभ की गति सामान्य रहेगी। भविष्य की नई योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी होगी। एलर्जी व हड्डी संबंधी समस्याएं संभावित हैं। कर्क राशि के जातकों को शारीरिक और मानसिक स्तर पर ध्यान देना चाहिए। आपके ऊर्जा स्तर में उतार चढ़ाव बना रहेगा। पारिवारिक प्रेरणा सहयोगी बनेगी। कार्य क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक लाभ मेहनत के अनुरूप कम मिल सकता है। हालांकि शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। धार्मिक भावना बलवती होगी और वाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों का उच्च ऊर्जा स्तर और सार्थक प्रयास आपको सफल बनाएंगे। अमावस्या का असर आपको भी प्रभावित कर सकता है। आपके स्वास्थ्य और सोच में उतार चढ़ाव बना रहेगा। हालांकि आर्थिक और व्यावसायिक अनुकूलता मिलती रहेगी। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। वाहन सावधानी से चलाएं और यात्रा या प्रवास की स्थिति बनी हुई है। विरोधियों से सावधान रहें। कन्या राशि वाले जातकों के ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव बना रहेगा। पारिवारिक उलझन और मानसिक दबाव संभावित है। कार्य क्षेत्र से विवाद या विरोध हो सकता है, मगर योजनाएं प्रभावित नहीं होंगी। आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। साझेदारी के कामों में सावधानी रखें और माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में जोखिम उठाना उचित नहीं होगा। कार्य योजना में रुकावट या विरोध संभावित है। अनावश्यक खर्च और विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। पारिवारिक तालमेल बिठाकर चलना उचित होगा। फिर भी सकारात्मक प्रेरणा व दिशा निर्देश मिलता रहेगा और अंततः आपके प्रयास सार्थक होंगे। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा, मगर निजी संबंध तनावपूर्ण रहेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर में सुधार मिलेगा। आपकी कार्य योजनाएं फलीभूत होंगी। नई कार्य योजना में निवेश का योग बना हुआ है। आपके मेहनत और प्रयासों का प्रतिफल मिलता जाएगा। खर्च की स्थिति नियंत्रित होगी और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिलेगी और नकारात्मक विचारधारा वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। धनु राशि वाले जातकों के हर काम में मन लगेगा। परिवार में खुशी व हर्ष की स्थिति बनी रहेगी। निजी मामलों में पूंजी निवेश का योग बना हुआ है। कार्य योजनाओं के नए आयाम प्रस्तुत होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। मकर राशि वाले जातकों को निजी व व्यावसायिक संबंधों में तालमेल बिठाकर चलना होगा। संबंधित मामलों में प्राथमिकता का अंतर्द्वंद बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती जाएगी। हर काम के प्रति जल्दबाजी उचित नहीं होगी। अमावस्या का असर स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अध्ययन अध्यापन में अनुकूलता बनी हुई है। संतान संबंधी चिंता आज लगी रहेगी। नेतृत्व करने का मौका मिलेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कुंभ राशि वाले जातक धैर्य और संयम बनाकर रखें। मन में उठ रहे तरह तरह के विचारों को विराम दें। अपनी कार्य योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक पहल करते रहें। आर्थिक लाभ के कई अवसर सामने आएंगे। विरोधी पक्ष दबा रहेगा। संतान संबंधी चिंता आज लगी रहेगी। मित्रों से सहयोग व प्रेरणा मिलती रहेगी और वाहन सावधानी से चलाएं। मीन राशि वाले जातकों में मानसिक दबाव और नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपकी राशि पर इस समय चार ग्रह मौजूद हैं, जिससे आपका ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास प्रभावित होता रहेगा। फिर भी व्यावसायिक पृष्ठभूमि मजबूत रहेगी और आर्थिक लाभ आपके मेहनत के अनुरूप मिलता जाएगा।
साझेदारी और जोखिम के काम उचित नहीं होंगे। लाभकारी योजनाओं के अवसर सामने आएंगे। अध्ययन अध्यापन के लिए आज का दिन असमंजस भरा रहेगा। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। चलने फिरने और वाहन इत्यादि के प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।